प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब आप देखिए नेक्स्ट पैटर्न पर। देखिए हम धीरे धीरे इस चैप्टर को ऊंचाइयों पे लेके चलेंगे और आपको डेली का डेली पढ़ना है और उसको नोट करते चलना है। तो देखिएगा आप क्वेश्चन नेक्स्ट x माइनस वन और यहां पर देखिए 7 माइनस एक्स और एक्स प्लस 3 और यहां मैं लिखता हूं लेस देन का 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। देखो अभी जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या बताया था कि आप x स्टार्टिंग में रखोगे। यहां पर स्टार्टिंग में है क्या? नहीं है, यहां पे तो है, इसको स्टार्टिंग में करो। देखो ये क्या है, 7 माइनस एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस का 7 लिख दिया, माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, एक्स माइनस 7 हो गया। अब कई बच्चे पूछे कि सर ये कैसे है, इसको ओपन करके देखो, इसको करो ओपन, माइनस एक्स, इसको करो माइनस माइनस प्लस 7 तो क्या हो गया, 7 माइनस एक्स वही आ गया ना। तो ध्यान देना एक्स माइनस 1 और क्या होगा, माइनस का एक्स माइनस 7 और यहां पे क्या होगा, एक्स प्लस 3 और लेस देन 0 कंप्लीट। उसके बाद देखो मैं इस माइनस को कंप्लीटली बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 और लेस देन 0, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। देखो ध्यान देना, जब आप समीकरण सोल्व करते थे ना उस टाइम इस माइनस को 0 में भेज देते थे, जैसे माइनस एक्स इक्वल टू 7 आ गया तो आप क्या लिखते थे, एक्स इक्वल टू माइनस 7 और कहते थे यही हमारा फाइनल उत्तर है। लेकिन आप असमीका में ऐसा नहीं कर सकते, असमीका का पूरा रूल है। और क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में जब हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो इस टॉपिक को और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, और जब हम और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे उस टाइम इन सब चीजों को क्लियर किया जाएगा। तो देखिएगा अभी आपको यह ध्यान रखना है कि जिस साइड में आपका चर है, चर यानी एक्स वाई जेड टाइप के पद है, उधर आपको क्या करना है, उधर अगर माइनस हो तो क्या करना, दोनों तरफ देख कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में यूज करना है अगर माइनस है तो, दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करके असमीका, दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करके असमीका का चिन्ह परिवर्तित करने पर, देखिए माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 किससे गुणा करना है, माइनस 1 से, इधर भी किससे करना है, माइनस 1 से, ये गुणा है पॉइंट नहीं है। और असमीका का चिन्ह यू था उसको यू कर दो, बदल दिया ना, लेस देन था उसको क्या बना दिया, ग्रेटर देन। अब अच्छे ध्यान देना, इस एक से इसको गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। और देखो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो आपके पास क्या समीकरण बना, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 और क्या आया, ग्रेटर देन 0। मतलब सवाल आपके पास कुछ भी रहा हो, सवाल आपके पास ये था लेकिन लास्ट में बन क्या गया कि अब सवाल किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसका यहां कोई रोल भी नहीं है। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आगे देखिए आप ध्यान से, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं इन वीडियोस को काफी बार 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 देखना है, और जब तक आप इन क्वेश्चंस के साथ या इस कॉन्सेप्ट के साथ ठीक प्रकार से आत्मीकरण नहीं कर पाओ तब तक वीडियोस को बार बार 3 से 4 बार देखना। तो देखिएगा इस लाइन को मैं दोबारा लिख लेता हूं, x माइनस 1 x माइनस 7 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। उसके बाद देखिए
क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या आएगा, एक्स माइनस एक बराबर जीरो, एक्स माइनस सात बराबर जीरो, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। तो यहां से मिला एक्स बराबर एक, यहां से मिला एक्स बराबर सात, यहां से मिला एक्स बराबर माइनस तीन। ठीक है, क्रांतिक बिंदु अपने पास आ गए। अब इनको एक संख्या रेखा बना लो, ये बना दिया, उस पर देखो यहां माइनस इंफिनिटिव, यहां पर प्लस इंफिनिटिव। अब इन पॉइंट्स को रख लो, माइनस तीन एक और सात कंप्लीट। उसके बाद देखो माइनस तीन एक और सात लिख दिया। अब उसके बाद देखो ग्रेटर देन होता है उस टाइम आपको क्या कौन सा साइन यूज करना है, देखो लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हो तो ब्लैंक सर्किल आ गया कि नहीं आ गया, खाली गोरा टाइप में, तो ये लो खाली गोरा। बस इतना सा ध्यान रखना था आपको, ग्रेटर देन तो ब्लैंक सर्किल यूज कर लो, ये ब्लैंक सर्किल यूज कर दिया। अब देखो अब आपके पास कितने खंड बन गए, चार, माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन, एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा, एक खंड ये रहा और एक ये रहा। अब थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लो, देखो अब एक ध्यान रखनी है कि सात से इन्फिनिटिव है उसके बीच में दस आता है, सबसे आसान है। और अब आपको गुणा नहीं करना, वैसे चेक करना है, चिन्हित पता लगाना है। दस माइनस एक, दस ले लिया मैंने इसके बीच में, दस माइनस एक का आता है नौ, पॉजिटिव का है, दस माइनस सात तीन पॉजिटिव का है, दस प्लस तीन तेरह पॉजिटिव का है। गुणा करोगे क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव, बोलो सही है कि नहीं है। अब उसको गुणा करके मत देखो, टाइम खराब होगा। और मैं इस क्वेश्चन से जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा ना, उस टाइम तो आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको कैसे देखना है कि यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो सुनो, ये आपके पास प्लस आया, अब देखो एक से सात के बीच में क्या आता है, पांच, पक्का है आपका मन कर रहा है चार, चार ले लो, तीन कुछ भी लो, लेकिन मैं जो मानक रूप में सबसे आसान है ना, मैं उसको लेना चाह रहा हूं, पांच ले लिया इसके बीच में, कुछ भी आया, छह में मन छह का कर रहा है, छह ले लो, पांच माइनस एक क्या हुआ, चार पॉजिटिव आएगा, पांच माइनस सात माइनस दो किसका आया, नेगेटिव का, नेगेटिव का, और ये क्या आएगा, पांच प्लस तीन आठ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव दो। ऐसे माइनस तीन से एक के बीच में क्या आता है, जीरो, जीरो माइनस एक क्या आ गया, नेगेटिव, जीरो माइनस सात क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और जीरो प्लस तीन तीन। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी से माइनस तीन करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। आप कोई भी नंबर ले लो, माइनस पांच लेके देख लो, माइनस पांच माइनस एक नेगेटिव, माइनस पांच माइनस सात माइनस बारह नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये देखो माइनस पांच प्लस तीन क्या आया, माइनस तीन, नेगेटिव आ गया ना। अब देखो ग्रेटर देन आया, ग्रेटर देन पे कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव का साइन यूज करते हैं, तो पॉजिटिव का साइन एक ये रहा और एक ये रहा, दो पॉजिटिव आ गए, ये आंसर नहीं होंगे नेगेटिव वाले। आपको ये ट्रिक जो लिखवाई है ना, इस ट्रिक पर कंप्लीट बेस रहना है, कोई दो चार परसेंट ये अपवाद रहेंगे उनको क्वेश्चंस के साथ बता देंगे, बाकी आपको ये हट लेना है। अब उत्तर देखो कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स संबंध रखता है, एक्स इसको इंग्लिश में ही बोला करो, बिलोंग्स टू, देखिए क्या लिखोगे, माइनस तीन से एक और सात से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पे क्या आएगा, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद देखो माइनस तीन, देखो ये क्या है, सब डार्क सर्किल तो नहीं है, ब्लैक सर्किल है सब, ये ब्लैक ये ब्लैक ये ब्लैक, बोलो ब्लैक सर्किल पे क्या आता है, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट आता है, तो ये लो ये छोटे ब्रैकेट हो गए, दोनों करने के लिए यूनियन, और यही आपका क्या है आंसर। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। इस वीडियो को तीन से चार बार देखना, आज के लिए इतना ही।